Oh, he's medium with a big butt. मैंने आप फोटो और कलर आप देख सब एक आप फोटो देखे भी हेलो मैं आप लुक कलर चलिए ये भी अच्छा हो गया कुछ लोगों को फोटो लेने में उसमें दिक्कत होती है आप लोग मुझे ज्यादा ग्रुप में जमे नहीं है ना डाले अभी लेट से डाले 3 बजे का और 3 बजे का डाले 3 बजे अभी मैं फोटो अपलोड करूंगा मोबाइल से डाल नवगछिया जिला पुलिस जिला के बिहपुर झंडापुर थाना कांड संख्या 17/15 जिसमें एक अभियुक्त जो शामिल थे अपराधी लाली कुंवर उर्फ अजय उर्फ लाली मुखिया ये पूर्व में बीएसएफ के जवान थे और उसके बाद आपराधिक घटना जब वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था तो उसके बाद बड़े बड़े आपराधिक घटना जैसे फिरौती हेतु अपहरण तथा मर्डर वगैरह में शामिल रहे थे और 2012 में ये सिलीगुड़ी से एक स्वर्ण व्यवसायी को अपहरण करके लाए थे और उसका फिर हत्या करके बेगूसराय में फेंक दिए थे जिसके बाद बंगाल पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ भी हुई थी तो काफ़ी दिनों से ये फरार चल रहा था और जो नवगछिया पुलिस है उस पर काफ़ी समय से इस पर कार्य कर रही थी उसी में भी एस ड्राइव रखा गया था जिसमें सफलता मिली इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर नवगछिया रंगरा थाना कांड संख्या 209/12 दर्ज है। बेगूसराय में फुलवरिया थाना कांड संख्या 84/12 जिसमें जो स्वर्ण व्यवसायी जिससे फिरौती लेने के बाद जिसकी हत्या कर दी गई थी उसका शव वहाँ पर बरामद हुआ था। और झंडापुर थाना कांड संख्या 17/15 जिसमें ये अपने ही गांव के दो लोगों को जो कोर्ट से लौट रहे थे उसकी हत्या कर दी थी। इसके अतिरिक्त बंगाल में इस पर कई सारे मामले फिरौती हेतु अपहरण के दर्ज हैं तो इस तरीके से ये काफ़ी एक बड़ी उपलब्धि है जो कि फिरौती हेतु अपहरण और मर्डर के केस में शामिल अपराधी कई वर्षों से जो फरार था उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें इसकी संपत्ति का पता कराया जा रहा है और अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको फिर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 193/19 जो कि जून महीने में कांड दर्ज किया गया था जिसमें एक व्यक्ति की हत्या करके लाश को छुपा दिया गया था। इसमें से जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें से दो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम है फौजदारी दास और अनिल दास जो कि गंगटी के रहने वाले हैं। इस मामले में अन्य जो अपराधी जो शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में कल रात्रि में आपसी विवाद में एक छोटा विवाद हुआ था जिसमें कुछ जो अपराधी हैं वो बम लेकर के जा रहे थे तो परंतु वहीं पे बम फट गया और जो 3 अपराधी थे वो उसमें घायल हो गए जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो अपराधी अभी कहीं पे फरार रह करके इलाज करा रहा है उसकी छापेमारी उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में जब उसके घर पे गए पुलिस गई थी तो उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। हाँ घर से उसके घर से हथियार बरामद किया गया है तो इसमें मतलब कि 2 अभियुक्तों को अभी अभिरक्षा में पुलिस अभिरक्षा में इलाज कराया जा रहा है और एक फरार चल रहा है जिसकी गिरफ्तारी के क्रम में उसके घर से हथियार बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त अमडंडा थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था जिसमें एक पंचायत सचिव की हत्या कर दी गई थी। उसमें 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था जिसमें से 1 की गिरफ्तारी उसी समय की गई थी, बाकी अन्य लोग फरार चल रहे थे जिनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी और इश्तिहार उनके घरों में चिपकाया गया था। उनमें से 6 लोगों के द्वारा आज कोर्ट में सरेंडर किया गया है जिसमें वहाँ का मुखिया अभी शामिल है। अब इसमें मात्र 1 व्यक्ति फरार है उसको उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाए।